हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन सो व्हाट डज इट मीन इट इज़ एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आल्सो नोन एज एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज द ब्लॉकेज ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस दैट यूजली कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है रेस्पिरेटरी जो पैसेजेस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जिसके कारण डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती जिसके कारण पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर वे कैन भी ड्यू टू अलग अलग कॉजेज एंड ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज इंक्लूड फॉरन बॉडी एस्पिरेट कर लिया पेशेंट ने इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन थी इन्फेक्शन था जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो गई है जहाँ फिर नॉटमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं बाई बर्थ थी जहाँ फिर किसी ट्रामा होने के कारण सो एन एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज करैक्टराइज बाई सडन ऑन सेट एंड सीवियर सिम्टम्स अक्यूट एयरवी ऑब्सट्रक्शन है जो इमीजिएटली सिम्टम्स अपीयर होते हैं इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी रिक्वायरिंग इमीजिएट मेडिकल इन अटेंशन सो लाइक फॉर्न बॉडी एस्पिरेशन हो गई है जहाँ फिर uh, जो है इन्फेक्शन है जो अलर्जिक रेक्शन है कोई भी सिचुएशन ऐसी जिसके कारण एस्पिरेटी ऑब्सट्रक्शन अच्छा हो, हो रहा है तो दैट इज़ अ देट नीड इमीजिएट मेडिकल अटेंशन अदरवाइज इट कैन लीड टू फर्दर डैमेज और डेथ नेक्स्ट आधा टाइप्स ऑफ एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है फर्स्ट है larynx अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अकर्ज इन द एरिया फ्राम योर नोज टू योर लेरिंग्स नो से लेकर लेरिंग्स तक अपर एयरवे ऑबस्ट्रक्शन होती है अगर इस एरिया में हो तो लोअर वे एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन किस एरिया में होगी बिटवीन योर लेरिंग्स एंड द नेरो पैसेजेज ऑफ योर लंग्स ठीक है लेरिंग्स से लेकर लंग्स तक है अगर वहाँ पर ब्लॉकेज है दैट इज़ लोअर एयर वे ऑबस्ट्रक्शन नेक्स्ट इज द पार्शियल एयरवे ऑब्सट्रक्शन अलाउ सम एयर टू पास पार्शियल है तो पता चल ही रहा है कि हाफ एयर वे जो पैसेज है ओपन होगा यू कैन स्टिल ब्रेथ विद पार्शियल एयर वे ऑब्स्ट्रेक्शन बट इट विल भी डिफिकल्ट पार्शियल एयर वे ऑबसेक्शन में पेशेंट ब्रीदिंग कर सकता है लेकिन डिफिकल्ट होगा उसके लिए कंप्लीट एयर वे ऑबसेक्शन में क्या टोटली एयरवे पैसेज ब्लॉक होगा पेशेंट ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी क्यूट एयरवे ऑब्सट्रक्शन क्या है आर ब्लॉकेज दैट अकर क्विकली इमीजिएटली जो ब्लॉकेजेस होती है हो जाती है दैट इज एक्ट एयरवे ऑब्सट्रक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ क्यूट एयरवे ऑबस्ट्रक्शन इज चोकिंग ऑन अ फॉरन ऑब्जेक्ट ठीक है कोई फॉरन ऑब्जेक्ट पेशेंट को फॉरन ऑब्जेक्ट के कारण चोकिंग हो गई है तो दैट इज अक्यूट एयरवे वे ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक एयरवे वे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है दैट इज दैट कैन दिस कैन बी ब्लॉकेज दैट टेक लॉन्ग टाइम टू डिवेल्प ज़्यादा समय धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम राइज होती है कोई डिजीज होती है और ऐसे एंडस्टेस में डिवेल्प हो जाती है कि क्रॉनिक एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है पेशेंट प्रॉपरली ब्रेड नहीं कर पाएगा ठीक है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्यूट अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में दैट इज ब्लॉकेज ऑफ द अपर एयर वे विच कैन भी कहाँ पर होगा इन ट्रिकिया लरेंजियल और फेरेंजियल एरियाज में तो नेक्स्ट है काजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स काजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या होंगे कॉमन काजेज ऑफ क्यूट अपर एयर वे क्या है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कोई फॉरन बॉडी एस्पिरेशन हो जाएगा एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन होने के कारण है जहाँ क्रूप एपिग्लोटाइटस हो गया रेट्रोफ्रिंजियल अपसेस हो गया दैट इज़ कलेक्शन ऑफ पर पर्स हो जाती है इन बैक ऑफ द थ्रॉट ठीक है पेरीटॉन्सुलर अपसेस है केमिकल बर्नस या रिएक्शन होने के कारण थ्रॉट में प्रॉब्लम हो गई है थ्रॉट सी ए होने के कारण ट्रामा और वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम्स अनदर अदर प्रॉब्लम कौन सी हैं दैट कॉज रेस्परी कंडीशन एज अस्थमा सी ओ पी डी एम्पाइजमा ठीक है सो नेक्स्ट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा पेशेंट विल फील एजिटेटेड ब्लूश कलरेशन होगी पेशेंट की स्किन की चौकिंग कन्फ्यूजन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग गैसपिंग ऑफ एयर पेशेंट पैनिक हो जाएगा वीजिंग क्रोइंग एंड विस्लिंग साउंड्स प्रोड्यूस होंगी एंड जब पेशेंट क्या है अनयूजल ब्रीदिंग नॉइस इंडिकेट ब्रीदिंग डिफिकल्टी अलग से नॉइसेज प्रोड्यूस होगी जब पेशेंट ब्रेथ करेगा पता चलेगा कि पेशेंट इज फीलिंग डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग चेंजेस इन कॉन्शियसनेस सेमी कॉन्शियस हो जाएगा और या जा फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें क्या होगा ब्रोंकोस्कोपी की जाएगी लरिजोस्कोपी एंड एक्सरे वगैरह किए जाएंगे जहाँ से फाइंड आउट होगा वाट इज़ द कॉज ऑफ़ द रेस्परेटरी ऑब्स्ट्रक्शन सो नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या है Uh, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट होगी तो उसमें कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है मे बी इट इज मे बी बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन तो क्या है ब्रोंकोडाइलेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कॉर्टिकोस्टीरोइड्स है इंट्यूबेशन किया जाएगा तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी ठीक है एंड नेक्स्ट इज द इफ अ पर्सन हैज़ अ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन एंड इज़ अनएबल टू स्पेक और ब्रेथ अगर पेशेंट बोल नहीं पा रहा है ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है तो ही मिल्क मेन्यवर में भी लाइफ सेविंग ये मेनूवर किया जाएगा दैट इज एबनोमिनल थर्स्ट इस इसमें क्या होता है इसमें कि पेशेंट का एबडोमिनल को एबडोमिन को पुश किया जाएगा ठीक है उसको तो जो उसका जो भी है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हुई है गले में वो वाला फॉरन ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा तो पेशेंट इजिली ब्रेथ कर पाएगा इट इज़ इन दैट केस अगर कोई फॉरन ऑब्जेक्ट पेशेंट ने एस्पिरेट कर लिया है तो तो अगर है ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द ब्लॉकेज ठीक है सो ऑब्जेक्ट स्टक इन द एयर वे मे भी रिमोट विद दल रेंजोस्कोप और ब्रोंगोस्कोप से भी रिमूव किया जा सकता है ट्यूब मे like भी इंसर्टेड इनटू द एयर वे लाइक एंडोट्रेकियल ट्यूब नेजोट्रेकियल ट्यूब उससे भी रिमूव कर सकते हैं एंड लास्ट क्या कंडीशन है सर्जरी तो लास्ट इज़ लाइक ट्रिकोस्टोमी एंड क्रिकोथैरोटोमी से भी रिमूव कर सकते हैं सो लास्ट इज अ प्रिवेंशन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सेक्शन ना हो ईट स्लोली एंड च्योर फूड कम्प्लीटली ठीक है डोंट ड्रिंक टू मच एलकोहल बिफोर और वाइल ईटिंग कीप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम यर यंग चिल्ड्रन जिसके कारण रेस्पिरेट ना कर पाए कुछ भी मेक श्योर डेंचर्स फिट प्रॉपर्ली पर्सन में क्या होता है डेंचर्स रिमूव कर लें वो ठीक है अगर फिट अगर पेशेंट वियर कर रखे हैं तो प्रॉपर उसकी फिटिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स आई थिंक नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑब्सक्शन इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ओके स्टूडेंट्स